दोस्तों, आप एक वीवो यूज़र हैं तो एक प्रॉब्लम आपको ज़रूर फेस करने के लिए मिलता है। जब कभी भी दोस्तों मोबाइल का कैमरा को आप ओपन करने के लिए जाते हैं तो दोस्तों एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस करने के लिए मिलता है। ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, एरर आपको देखने के लिए स्क्रीन पर मिल जाएगा, फेल टू ओपन दी कैमरा, ट्राइंग टू स्विच टू अनदर कैमरा। ऐसा कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम यानी कि ऐसे कुछ आपको एरर मैसेज देखने के लिए मिल जाता है अपना वीवो मोबाइल पर। कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा कुछ यहाँ पे एरर लिखा हुआ आने के बाद जो वीवो का कैमरा होता है वो आप यहाँ पे यूज नहीं कर पाते हैं, कोई भी फोटो को या फिर वीडियो आप कैप्चर कर नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा तीन मेथड के जरिए दोस्तों आपका जो वीवो का कैमरा होता है वो पूरी तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उससे पहले दोस्तों मैं दिनेश आपको स्वागत करता हूँ डायनामिक टेक्नो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे मैं कैमरा ओपन कर लेता हूँ। कैमरा ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आता है, आपको देखने के लिए मिलेगा फेल टू ओपन दी कैमरा, ट्राइंग टू स्विच अनदर कैमरा लिखा हुआ आता है। ठीक है, यहाँ पे जो बैक का बटन होता है वो यहाँ पे काम नहीं करता है, आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे आपको ये मिनिमाइज का काम देता है और रिसेंट बार का आपको देखने के लिए मिलेगा, ये दोनों काम देता है लेकिन ये बैक बटन काम नहीं देता है। आपको देखने के लिए मिलेगा ये पॉप कैमरा भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, आता है बट लेकिन यहाँ पे जो कैमरा होता है वो कैप्चर आप कर नहीं पाते हैं, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है कैमरा के थ्रू। दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, इतना बड़ा फ़ोन आप लिए हो, वीवो वाई फिफ्टीन है मेरा, ये इतना बड़ा फ़ोन मैं लिया हूँ पैसे दे के, बट यहाँ पे जो कैमरा होता है वो काम नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं कितने बड़ा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलता है मैं आपका समझ सकता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ मेथड आपको बता देता हूँ, वो मेथड को आपको ट्राई करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे सेटिंग पर चले आना है। सेटिंग पर चले आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऐप मैनेजर देखने के लिए मिलेगा, ऐप मैनेजर पर आपको चले आना है। देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे लिखा हुआ आता है एप्लीकेशन एंड परमिशन लिखा हुआ है, इसमें आपको क्लिक करना है। ऐप मैनेजर पर चले आना है। ऐप मैनेजर पर चले आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कैमरा एक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, इसमें क्लिक कर लेता हूँ। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फोर स्टॉप कर देना है, देन आपको ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करना है और क्लियर डाटा लिखा हुआ है आपको यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ पे कर लेते हैं तो दोस्तों अपना जो एक मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करना है। देखने के लिए मिला, इस तरीके से मैं कर लेता हूँ अपना मोबाइल को स्विच ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पे अपना मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ कर लेना है, यानी मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ। चलिए इसमें क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला, मैं रिस्टार्ट कर चुका हूँ मोबाइल को, यहाँ पे अनलॉक कर लेता हूँ। अनलॉक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो पे मैं कैमरा पर क्लिक करता हूँ, इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कोई किसी का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो सकता है, लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ है। देखने के लिए मिलेगा फेल टू कैमरा यहाँ पे लिखा हुआ आता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम तो फेस करने के लिए मिलता है। चलिए यहाँ पे दो नंबर स्टेप पे आपको यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों आपको एक ऑल्टरनेटिव यानी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको यूज करके देख लेना है, ट्राई करना है। दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च बार पर टाइप करना है ओपन कैमरा। ओपन कैमरा यहाँ पे क्लिक जो यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है अपना मोबाइल पर। मैं अब यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, पहले से ही मैं यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा था, तो यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो कैमरा होता है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अभी ये आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो मेरा रियर कैमरा अभी आ रहा है, देखने के लिए मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, रियर ओपन कैमरा को इंस्टॉल करने के बाद जो मेरा मोबाइल पर ये काम कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये करने के बाद ये और एक यहाँ पे मेथड आपको बता देता हूँ क्या करना है कि यहाँ पे, चलिए मेथड तो नहीं है ये, आप कर सकते हैं लेकिन देखने के लिए मिलेगा आपको इंस्टाग्राम आपको ओपन करना है। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा स्टोरी टैब, या फिर आपको यहाँ पे जो रील का सेक्शन है उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो आपका जो कैमरा होता है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओपन हो जाता है। दोस्तों ये वीवो मोबाइल का मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे समझ नहीं आया यार, यहाँ पे मोबाइल का कैमरा पर ओपन नहीं होता है, यहाँ पे इंस्टाग्राम पर ओपन होता है कैमरा, या फिर कह लो ओपन कैमरा पर यहाँ पे ओपन होता है। कहीं ना कहीं दोस्तों आपको मैनी प्रॉब्लम तो फेस करने के लिए मिलता है। यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ये फ्रंट कैमरा भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, फ्रंट कैमरा भी आ जाता है, दोनों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है लेकिन इसमें जो मोबाइल के कैमरा पर नहीं आता है। दोस्तों कैमरा का डाटा क्लियर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 90% लोगों का यहाँ पे ये कैमरा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन दोस्तों मेरे पे यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ है। तो मेरे पे एक अपडेट दिया हुआ है, सेटिंग पर चले आना है, मेरे पे एक अपडेट दिया हुआ है दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे 3.5 GB का अपडेट दिया हुआ है, मैं अपडेट नहीं किया हूँ, इसी वजह से यहाँ पे ये जो मेरा कैमरा होता है वो यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए मैं अभी अपडेट कर लेता हूँ, डाउनलोड करके अपडेट कर लेता हूँ, फिर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये होता है या फिर नहीं। ठीक है, आपको अपडेट आपके मोबाइल पे अपडेट दिया हुआ है तो आपको भी एक बार अपडेट कर लेना है। ठीक है, तो मैं अभी डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए
अफसोस की बात है दोस्तों, फर्स्ट टाइम जो मेरा मोबाइल का कैमरा यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। जैसा मुझे लगता है कि दोस्तों जो मेरा मोबाइल का कैमरा है, आप यहाँ पे फोटो देखने के लिए मिलेगा, जो कैमरा है यहाँ पे क्रैश हुआ है, शायद इसीलिए मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे मोबाइल का शॉप पे जाऊँगा, इंक्वायरी करूँगा आखिरकार इसका रीज़न क्या है और जो सिस्टम का कैमरा पर ये क्यों ओपन नहीं होता है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में क्यों ओपन होता है, मुझे ये पूछना है, फिर जाके मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मेथड मैं आपको बताया हूँ वो आपको अपने मोबाइल पर अप्लाई करना है। आपका मोबाइल पर हार्डवेयर प्रॉब्लम ना हो तो ये आपका मोबाइल में ये मेथड काम कर जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये मेथड को अपने मोबाइल पर अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया कि जो वीवो मोबाइल में कैमरा का प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है, पूरी वीडियो में आपने देख लिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और भी ऐसे असम वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।